राष्ट्रीय युवा दिवस पर स्वामी विवेकानंद जन्मोत्सव के उपलक्ष्य पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की हमीरपुर इकाई ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें हिमाचल प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण निगम के चेयरमैन ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। शिविर में एबीवीपी के प्रांत संगठन मंत्री कौल नेगी और हिमाचल प्रदेश कौशल निगम के संयोजक नवीन शर्मा विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने 55 यूनिट रक्तदान किया और स्वामी विवेकानंद के बताए गए मार्ग पर चलने का प्रण भी लिया गया। हमीरपुर के गौतम कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में एबीवीपी के जिला के पदाधिकारियों सहित अन्य लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने के साथ ही रक्तदान शिविर में भाग लिया। आपको बता दें कि स्वामी विवेकानंद के जन्मोत्सव पर एबीवीपी के द्वारा हर साल विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। जिला संयोजक अनिल ठाकुर ने बताया कि परिषद ने सुजानपुर नादौन बरसरब चकमो में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि परिषद हर साल स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाती आई है। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद स्वामी विवेकानंद जी की जयंती को जिला भर में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मना रही है। यह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है। विद्यार्थी परिषद इसको प्रत्येक वर्ष मनाती है। आज जिला हमीरपुर में भी राष्ट्रीय जो युवा दिवस है वो विद्यार्थी परिषद मना रही है। आज हमीरपुर महाविद्यालय इकाई और हमीरपुर नगर इकाई के द्वारा आज हमीरपुर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसी तरह जिला हमीरपुर की अन्य इकाइयों में भी स्वामी विवेकानंद जी की जन्म जयंती पर टूर्नामेंट करवाए जा रहे हैं, जिसमें सुजानपुर महाविद्यालय की इकाई के द्वारा आज सुजानपुर में क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। इसी प्रकार पिछले कल भोरंज महाविद्यालय इकाई के द्वारा जो है युवा सम्मेलन जो है स्वामी जी की जयंती पर करवाया गया। इसी तरह बड़सर इकाई में बैडमिंटन प्रतियोगिता तथा चकमो इकाई के द्वारा कबड्डी तथा नदौन इकाई के द्वारा बास्केटबॉल प्रतियोगिता जो है राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में जिला हमीरपुर की सभी इकाइयाँ करवा रही हैं। इस मौके पर ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर ने कहा कि आज विश्व को इस कठिन दौर में स्वामी विवेकानंद के बताए गए मार्ग पर चलने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि समाज पर राष्ट्र को सुदृढ़ करने की स्वामी विवेकानंद की सोच पर आज सबको अमल करते हुए देश की सेवा करनी चाहिए, ताकि भारत दुनिया में सबसे आगे निकल सके। एक तो आज विवेकानंद जयंती थी, उसको बड़ी धूमधाम से अखिल भारतीय परिषद के कार्यकर्ताओं ने बनाया, और कई दिनों से जो ब्लड डोनेशन आज चला हुआ था उसका भी आज समापन हुआ। और जो हमारे विवेकानंद जी थे, उनकी विचारधारा के ऊपर, उनकी जो फिलॉसफी के ऊपर, और किस तरह जो उनका विचार है और आज के युग में पूरे विश्व में और हिंदुस्तान में, खासकर जब ये कोरोना की महामारी है, देश कठिन हालात से गुजर रहा है और बहुत सारी समस्याएं, शायद इस शताब्दी की सबसे बड़ी जो समस्याएं आज हमारे सामने हैं, और किस तरह ऐसे महान पुरुष जिन्होंने इतने 100 साल पहले उस समय जो विचार दिए थे, जो ज्ञान दिया था, जो नॉलेज दिया था, वो आज किस तरह से व्यक्तिगत तौर पर, सामाजिक तौर पर, और किस तरह एक नेशन बिल्डिंग के लिए बहुत ज़रूरी है, किस तरह से हम सब मिलकर जाति पात से ऊपर उठकर, रीजनलिज्म से ऊपर उठकर, सांप्रदायिकता से ऊपर उठकर किस तरह हम अपना व्यक्तिगत निर्माण कर सकते हैं और अपना समाज का निर्माण कर सकते हैं और देश का निर्माण कर सकते हैं, उसके बारे में चर्चा हुई।